सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे एमसी स्टैन भाई के बारे में। तो एमसी स्टैन भाई कुछ स्टोरीज डाले थे, तो एमसी स्टैन भाई एक स्टोरी शेयर कर रहे थे, आप लोग देख सकते हो अपने स्टोरी पे। इधर बेसिकली जो ज्वेलरी मेकर है उनसे किसी ने पूछा था हाउ मच एमसी स्टैन ड्रॉप ऑन ऑल ऑफ हिज आईज इन डॉलर। वो लिखे थे $125,000, जिसका इंडियन रूपीज में करीबन 1 करोड़ है। और एमसी स्टैन भाई उसी पर लिखे थे स्टेटस ऑफ मा डॉलर। और जिसके बाद अपने स्टोरी पे उसी पेंडेंट का एक रील्स डाले थे, जिस रील का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। तो कोई भी अगर इस चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप तक ऐसा डेली हिप हॉप का अपडेट जाते रहे। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे रॉप्सी भाई और रैपबॉट भाई के बारे में। तो आप लोग जानते हो दोनों के बीच में क्या इशू चल रहा है। तो रैपबॉट भाई को रॉप्सी भाई बाइस्ड कहे थे कलम करके तरफ, और जिसके बाद रैपबॉट भाई वीडियो पे उस पर रिएक्ट भी कर रहे थे, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। और जिसके बाद फिर से रॉप्सी भाई कुछ स्टोरीज डाले थे, आप लोग देख लो। अगर मैं बोल देता हूँ कि इस बंदे का मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बायस्ड हूँ अगले आर्टिस्ट के लिए। भाई ना मुझे तेरी टिप्पणी से प्रॉब्लम है, ना तेरे रिव्यू से प्रॉब्लम है, दैट्स योर जॉब। यू जस्ट टेल मी दिस थिंग कि Why are you playing with the mental health of other rappers? Why are you saying Mufad ka downfall ho gaya, Nizi ko drugs ki problem hai? I called you out. Dekh, tere ko kaise dikkat ho rahi hai aur kaise tu apne aap ko justify kar raha hai. This is what happens to artists. Now you get it? और जिसके बाद एक स्टोरी लगाए थे, जिस पर बेसिकली ये लिखा था कि सब कह रहे हैं मैं कंटेंट क्रिएटर के ऊपर क्यों जा रहा हूँ। तो आप सबको जान लेना चाहिए एमिनम भी पहले ऐसा कर चुका है, ये कंटेंट क्रिएटर की बात नहीं है, हिप हॉप का बात है। और रैपबॉट भाई 100% परफेक्ट नहीं है, इसको जान लेना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे हरजस भाई के बारे में। तो हरजस भाई एक स्टोरी डाले थे, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। तो बेसिकली हरजस भाई का सिद्धू मूसेवाला पाजी के लिए जो ट्रिब्यूट वीडियो आने वाला है मूसा, उसका एडिटिंग चल रहा है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कामभारी भाई के बारे में। तो कामभारी भाई इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे कुछ देर के लिए, और जिधर उन्होंने डिफाइन भाई के बारे में क्या कहा है आप लोग देख लो। डिवाइन भाई को शाउट आउट, लव यू डिवाइन भाई। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे कृष्णा भाई के बारे में। तो बीबीजे ने कृष्णा भाई के ऊपर कुछ स्टोरीज डाले थे, तो आप लोग पहले स्टोरी देख लो। 22 मिलियन लोग देखने वाले जब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर यार ये रैप सीखने वाले 320 के ही, मतलब क्या कृष्णा भाई बिना डिस्ट्रैक्ट के व्यूज ना आते क्या चैनल पे? इसमें एमिवे को टैग कर देते शायद इसमें भी व्यूज आ जाते यार। और जिसके बाद अपने यूट्यूब पर एक पोल रखे थे, आप लोग देख सकते हो, कृष्णा भाई को मेंशन करते हुए लिखे थे नेक्स्ट रोस्ट इस पे कर दो क्या, तो सब वोट दे रहे थे जी फाड़ दो भाई। और उसी को अपने स्टोरी पे डालते हुए लिखे थे रोस्ट का पूछा, तुम लोग तो जी फाड़ने को बोल रहे हो, हाँ हाँ। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेस्टी निंजा भाई के बारे में। तो आप लोग जानते हो नेस्टी निंजा भाई का गरम कान करके एक ट्रैक आने वाला है, जो कि डिस ट्रैक है रफ्तार भाई के लिए। तो उन्होंने आज इंस्टाग्राम पर लाइव आकर रफ्तार भाई के बारे में क्या कहा, आप लोग देख लो। मैं अभी परसों में गरम गान का शूट कर रहा हूँ, आजा पक्का बता। देखो ऐसा रफ्तार जैसा दिखने वाला कोई बंदा है क्या, मतलब ऐसा वीडियो में डालते ना अपन उसको, रफ्तार वाला दिखने वाला बंदा। हाँ सब बॉट्स लोग आते हैं ना उसके नाम से, फुल बॉट हार्ड वो लोग का सही है, लेकिन ना लेकिन मेरे को भी चाहिए ऐसा कोई तो मिल जाए, मेरे को भी ऐसा बॉट देने वाला पब्लिक मिल गया ना मजा आ जाएगा। इतना पैसा तेरे को पता, मेरे को लगता है ना इतना पैसा उसको है ना वही पर ही उसको देना चाहिए थे। मेरे को लग रहा है उसको वो बॉट को पैसा डालने वाला पैसा है ना, उसको खुद पे इन्वेस्ट करके थोड़ा और अच्छा करना चाहिए उसको। मतलब वो कितना भी अच्छा कपड़ा भी पहन रहा है, दिल्ली वाला ही लगता है मेरे को, है ना ऐसा लगता है ना। ओ भैया ओ पकौड़े से खाएंगे पैंट चोरे भैया, कैंट है भाई कैंट है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई रैपटे मारेंगे रैपटे, कैसा बोलते ना। लेकिन लेकिन तूने पूरा कर दिया वो गाना? हाँ ब्रो बहुत गाना बहुत हार्ड है। मैंने पूरा मतलब ऐसा वो लोगों को डिसमिस पूरा नहीं किया, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा जो इशू हुआ है ना वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं हुआ है। मैं डिस तभी करूंगा जब मेरे को रिप्लाई आएगा। अभी तो मैंने खाली उंगली किया, खाली बस उंगली करा मैंने बस, हाँ थोड़ा बहुत ऐसा उंगली किया। पूरा गाना बहुत वेवी, अलग अलग चीज बात कर रहा हूँ उसके अंदर में, पर इसमें थोड़ा बहुत ऐसा उंगली किया है मैं, क्योंकि मेरे को बोलने का था वो गाने पे। अभी क्या मेरा किसी के साथ है नहीं बीफ, लोगों को फैक्ट बताना चाहिए। हाँ फैक्ट बताने के लिए कर रहा हूँ। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना। तो इस वीडियो में तो इतना ही, मिलता है आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।